दोस्तों हमारा कलर हो गया रेडी, ये तीन कलर मिलाए हैं हमने, येलो और इसमें ग्रीन और व्हाइट। ओके हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप राणा, सब होंगे बढ़िया, मपूटो में हूं, दो हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, अभी मैं हूं सर्विस ट्रैक में हमारे मितेश भाई के साथ हूं। तो जैसे बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी साइकिल का कलर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अभी सब लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ दुबई, दुबई से फिर इंडिया, इंडिया से फिर जो मेरी लास्ट जर्नी छुट्टी थी 2 साल पहले उसको पूरी करूंगा। तो उसके लिए नई जर्नी है, नई साइकिल होनी, नई साइकिल कलर होना चाहिए, तो मैं कराने वाला हूँ ये नियोनिस्ट येलो कलर। तो मैंने बहुत लोगों से उनके कलर पूछे थे इंस्टाग्राम में, तो बहुत सारे आंसर्स थे, तो सभी लोगों ने कहा कि जो ऐसा कलर होना चाहिए जो चमके, जो रात को दिखे, तो ये येलोइश और नियोनिश ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कलर हम करने वाले हैं। साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ, साइकिल ये खड़ी है, साइकिल के टायर मैंने निकाल दिए हैं, अभी ये पूरा फ्रेम और जो फ्रंट ये है, और इसका फ्रंट फॉक है तो इसमें पूरा पेंट होगा। तो आज हम साइकिल सर्विस भी करने वाले हैं, उसमें कलर भी करने वाले हैं। तो ये देखिए हमको ब्राइट डाउन, तो ये है डिग्रीसर है, इससे आप जहाँ भी डालोगे इसका जो भी इसमें वो मड होगा, ग्रीस होगा, पूरा निकल जाएगा आसानी से। फिर साइकिल एक बार कलर होने के बाद, सफाई होने के बाद उसको पैक कर देना है, कार्टून में पैक करूंगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं फ्लाइट में कैसे ले आता हूँ साइकिल, कंट्री टू कंट्री कैसे ले आता हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। जब भी आप फ्लाइट टिकट लेते हो तो उसमें आपको 30 kg, 40 kg का आपको वेट आप ले आ सकते हो, तो उसमें आप इसको पूरा पैक करना होता है, खुल के नहीं आपको नहीं ले आने देंगे, आपको पूरा कार्टून में पैक करना पड़ेगा, तो आप उसको आराम से ले आ सकते हो। तो उसका भी कुछ लेंथ होती है, साइज़ होता है कि इतने तक आप ले आ सकते हो, पर वो पूरा पैक होना चाहिए, खुले में ऐसे नहीं ले आ सकते हो। तो इसके लिए भी मुझे कार्टून उठाना पड़ेगा साइकिल शॉप से, इसको पूरा पैक करूंगा, आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो में। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बिल्टोंग एंटी ट्रस्ट लुब्रिकेंट। दोस्तों ये डिग्रेसर है, देखो ये आपका जितना भी इसमें वो लगा है, देखो गंदगी लगी है या आपका सब लगा है, सब निकाल देगा। साफ हो गया, देखो चमक गया, ये इसी पूरे निकाल रहे हैं इसमें से, फ्रेम में से जितने भी इसमें लगे हैं, तो ये इसको पूरा कलर निकालेंगे पहले, फिर दोबारा से इसको पेंट करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कलर सेलेक्ट करने के लिए, कलर का देखना है कि एग्जैक्ट कलर तो मिलेगा नहीं, पर अभी जाता हूँ मैं शॉप में, देखो पता करता हूँ। दिस इज येलो, लेमन येलो, और दोस्तों यहाँ पे कार का कलर निकाला जाता है, कार को कलर पेंट किया जाता है, हमें साइकिल हो रही है पेंट। ओके किल नो प्रॉब्लम, किल एवरीथिंग। और दोस्तों साइकिल हो चुकी है रैप पूरी, जहाँ जहाँ पे भी ये नट बोल्ट कुछ और चीज़ें हैं वहाँ वहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक लगा दिया है, ताकि जो कलर हो वो बाकी तार वार में ना पड़े। तो अभी हम जा रहे हैं कलर लेने के लिए, जो कलर हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है हमको, नियोनिस चाहिए, तो देखो अभी जा रहे हैं, मिल जाएगा तो फिर इसमें कलर कर देंगे। तो दोस्तों हमारा कलर हो गया रेडी, ये तीन कलर मिलाए हैं हमने, येलो और इसमें ग्रीन और वाइट। ओके दोस्तों हम आगे फाइनली, अभी इसको पेंट करेंगे, कलर वगैरह सब कुछ रेडी है, अभी दिखाता हूँ आपको इसका नया कलर, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही कर देंगे बस। अभी टायर की धुलाई चल रही है, तो ये है कुछ आज का काम, साइकिल पूरी पेंट हो चुकी है और ये शाइन मारेगी जब बाहर धूप में जाएंगे, तो बहुत अच्छी शाइन मारेगी। तो आज के लिए बस इतना ही अभी, और दोस्तों आज के लिए साइकिल का पेंट हो गया है, टायर वायर धुल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कल हम आएंगे तब तक पेंट सूख जाएगा, कल हम साइकिल पूरा असेंबल करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप वाना, फाइनली साइकिल को नया कलर दे दिया है ये हमने, मैंने इस बार येलो कलर चूज़ किया है, थैंक यू सर्विस ट्रैक इसको इतना अच्छा कलर करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, बहुत सारे इसमें कोटिंग की हैं जितने भी पॉलिश होते हैं,
और उसके साथ बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि इसमें भगवा कलर करो या इसमें तिरंगा करो, तो बहुत रिस्पेक्टफुल कलर्स हैं तो मैं उनको नहीं कर सकता हूँ, पर सभी का बातों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसमें मैं इंडिया जाके यहाँ पे ट्राई कलर में यहाँ पे तिरंगा यहाँ पे टॉप में लगाऊंगा और इसको नया डिज़ाइन करूंगा। तो अभी ये साइकिल अब पैक होगी, सीधा जाएगी दुबई, दुबई से इंडिया, अब ये इंडिया में खुलेगी। तो फाइनली मेरा अफ्रीका का सफ़र बहुत अच्छा रहा और अफ्रीका में साइकिल ने पूरा साथ दिया और थैंक यू वेरी मच। और आपको एक नया कलर कैसा लगा तो पक्का बताना वीडियो कमेंट में, थैंक यू वेरी मच। 10 महीने अफ्रीका में बिताने के बाद अभी मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया की तरफ। तो मेरी फ़्लाइट है मपूटो मोजाम्बिक से दुबई की पहली फ़्लाइट है, तो मैं साइकिल पैक करने वाला हूँ। तो आप सभी को बताने वाला हूँ साइकिल कैसे पैक करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे। ये साइकिल देख रहे हो आप, मैंने इसके पेडल्स निकाल दिए हैं और इसका फ्रंट का जो टायर है वो भी निकाल दिया है और जो हैंडल है वो निकाल के, ये मैंने हैंडल का जो ये है ये पीछे को मोड़ दूंगा ऐसे करके, ऐसे मोड़ दूंगा माय फ्रेंड, हाथ हटाओ, रिमूव योर हैंड, या ऐसे ये उसको अंदर को मोड़ लेना है और हैंडल को अपने ये जिप टाई से यहाँ बांध लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो हवा है हवा को पूरी निकाल देनी है, दोनों टायर का हवा रिलीज कर देना है। उसके बाद हम इसको ऐसे करके कम क्लोज ऐसे करके डालना है और ये ध्यान रहे कि जो इसका ये है इसको आप अंदर को मोड़ सकते हो और ये करके ये इसमें पूरा फिट हो जाएगा ये साइकिल। और ये जो टायर है ये इसके साथ बगल में ऐसे करके, या ये जो टायर है आप इसके जो ये है क्रैंक का जो आर्म है, ये आर्म है क्रैंक का आर्म, इसमें भी आप अटका सकते हो, मैं इसमें अटकाऊंगा आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। और जो ये है अगर आपके पास ये कैरियर ये पीछे का रैक है तो इसको आप ऐसे करके यहाँ भी फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका पूरा साइकिल पैक हो जाएगी और जो आपके ये पेडल्स हैं इनको आप जिप टाइम में ऐसे अटका के इसके साथ ही फ्रेम में बांध सकते हैं जैसे इसकी पैकिंग आती है यूनिवर्सल। तो ऐसे करके मैं इस बार साइकिल ले जाने वाला हूँ दुबई। और अभी मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि शायद मुझे वहाँ पे जब मैं इमिग्रेशन में जाऊँ एयरपोर्ट में क्या क्या बोलेंगे कि बैग्स अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, पर मैं इंडिया से जब आया था तो इतना बड़ा बॉक्स था, तो देखो क्या होता है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। दोस्तों फाइनली साइकिल पूरी पैक हो चुकी है, यहाँ पे मैंने साइड साइड पे गत्ते लगाए हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े इसके वो इक्विपमेंट्स पे। और ये यहाँ पे भी मैंने गत्ता लगाया है, यहाँ पे मैंने गत्ता लगाया है और यहाँ पे मैंने ये लगाया है पटाखे वाला, तो इससे मेरी साइकिल पूरी पैक हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने साइकिल पैक की। फाइनली अभी मैं निकलूँगा कल दुबई के लिए, तो एक चैलेंज है मेरे लिए कि यहाँ पे ये बॉक्स अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे जब मैं चेक इन करूँगा फ्लाइट में। ऐसे मोस्टली करते ही हर जगह में जितने कंट्री ट्रैवल किया हूँ फ्लाइट में साइकिल लेके, जैसे कि मैं मलेशिया गया था या इंडिया आया था, इंडिया से मैं केन्या आया था, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, शायद कल भी अलाउ कर देंगे तो कल बताऊँगा आपको वीडियो में। और उसके अलावा अभी दुबई चलते हैं, दुबई में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ से फिर इंडिया निकलूँगा। और ये बॉक्स जो है कार्टून ये आपको कहीं भी शॉप में मिल जाएगा, कोई भी साइकिल शॉप में, पर मैं ये मोजाम्बिक में मुझे ढूंढने में मुश्किल हुई थी क्योंकि यहाँ पे बॉक्स कम मिलते हैं क्योंकि वो बेच देते हैं, पर फिर भी मैंने गया कहीं इंडियन शॉप में गया, वहाँ पे एक इंडियन शॉप थी, वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे फ्री में दिया, नहीं तो आपको क्या कहते रुपये देने पड़ते हैं ज़्यादा, पर फिर भी मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला बीच में जिसने बोला कि यहाँ दिखाऊंगा तुमको, उसने 200 रुपये ले लिए मेटी कैश, ऐसे करके पर फाइनली काम हो गया। तो कल निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो पक्का शेयर करना और लाइक करना, जर्नी को सपोर्ट करना। अभी जर्नी 1 महीने के लिए इंडिया जाएगी, इंडिया में रुकेगी, उसके बाद फिर अगली कंट्रीज की तरफ आपको पता चलेगा आगे वीडियोस में। तो बने रहिए, कुछ नए वीडियोस में डालते रहूँगा और कुछ दुबई में जाके कुछ नया क्रिएटिव करूँगा। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।